और चलिए अब वक्त हो चुका है उस खबर का जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हैरान कर देगी वो खबर कि कैसे चोरों ने एक शहर में एक स्कूल की एक एक ईंट चोरी कर ली, एक ईंट तक नहीं छोड़ी। हम आपको जब दो तस्वीरें दिखाएंगे, चोरी से पहले की और चोरी के बाद की, तब आपको समझ में आएगा। पहले एक खबर देखिए, बड़ी खबर, साउथ अफ्रीका के केप टाउन में पूरा स्कूल चोरी हो गया। यूटीजिंग सेकेंडरी स्कूल की एक एक ईंट उठा ले गए चोर। स्कूल का ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, बल्ब तक चोरों ने बाहर बेच दिया। स्कूल का पूरा सामान चोरी कर दिया चोरों ने। यह सैटेलाइट इमेज है चोरी के बाद की। हम आपको आइए जरा वो तस्वीर दिखाते हैं। वो दो तस्वीरें आप देखिए, ये चोरी के पहले की, एक चोरी के बाद की। दो तस्वीरें आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं और फिर आप देखिएगा। चोरी से पहले और चोरी के बाद, ये दो तस्वीरें आप देखिए। साउथ अफ्रीका में केप टाउन में चोरों का कारनामा आप देखिए। ये लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है चोरी से पहले की। स्कूल आप देखिए, सैटेलाइट इमेज, और चोरी के बाद की तस्वीर देखिए, कैसे साउथ अफ्रीका में चोरों ने एक पूरा स्कूल खोद डाला, एक एक ईंट तक चोरी कर ले गए, ब्लैक बोर्ड, तमाम सामान, फर्नीचर, वो सब उठा ले गए। वो आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे चोरों ने न केवल कानून का मखौल उड़ाया बल्कि वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर भी एक बड़ा आघात किया। ये साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुआ है। तो 2019 में स्कूल बंद कर दिया गया था, पास के स्कूल में छात्र शिफ्ट हो गए थे, इमारत पर चोरों की नजर पड़ी, 6 महीने में पूरी इमारत खोखली हो गई, नशेड़ियों की हरकत ये बताई जा रही है। ये साउथ अफ्रीका से खबर, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। केप टाउन के स्कूल को फिर से बनाया जा रहा है, स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ दिनों में स्कूल की इमारत तैयार हो जाएगी, ये जानकारी भी आ रही है। लेकिन जहां हम एक तरफ ये खबर देख रहे हैं कि केप टाउन में स्कूल को चोर चुरा, पूरा पूरा स्कूल चुरा ले गए, जहां हम ये खबर देख रहे हैं वहां ये खबर कहीं ना कहीं हमारा उत्साह जरूर मजबूत करती है कि नहीं, उसके बावजूद अब बच्चों के लिए स्कूल बनाया जा रहा है।